हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सभी सर्कल का आ चुका है रिजल्ट GDS का। जो लोग वेट कर रहे थे उनको वेरिफिकेशन के लिए मैसेज या मेल भी आ चुकी है, बट काफ़ी सर्कल की जो परसेंटेज है वो 100+ रही है। और काफ़ी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन है, क्या हमें मौका मिलेगा अगर वो कैंडिडेट वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कैंसिल हो जाता है या डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं। तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं, एक नोटिस जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने खुद। तो इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है नोटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नोटिस जारी किया है, नोटिस लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो यहाँ पे जाके सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा नोटिस मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ 2 पेजों का है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें सिंपली ये कहा गया है, जो सर्कल 4 के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट 10th एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, वो जितने भी सेलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं जनरेटेड बाय द सिस्टम। इसमें कोई भी मैनुअली इंटरप्शन नहीं है। सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम में मार्क्स डाले हैं, तो सिस्टम ने हाइएस्ट मार्क्स वाले, हाइएस्ट रैंकिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको छाँट के एक शॉर्ट लिस्ट में डाल दिया है। इस शॉर्ट लिस्ट में जो लोगों को डाला गया है वो कैंडिडेट के द्वारा डाली गई परसेंटेज है। इसमें कोई भी मैनुअली छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि जैसे कि लोगों का कहना था कि डिपार्टमेंट में धोखाधड़ी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। अगर मैनुअली होता तो रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आ पाता। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान देंगे ज़्यादा गौर से, द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स 10th सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पे। तो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है 10th बेसिस पे, अभी मेरिट लिस्ट के शॉर्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको जो भी मैसेज वगैरह आ चुके हैं, कॉल लेटर वगैरह आ चुके हैं फॉर द वेरीफिकेशन, वो जा सकते हैं। बट इन केस कोई भी जो कहते हैं ना, गलत डिटेल फिल की जाती है, जैसे कि काफ़ी लोगों का डाउट है हमने इतने परसेंटेज डाल दिया या ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, कुछ भी माइनर सी भी मिस्टेक अगर आपकी तरफ से गलत होती है, इन केस ऑफ डिसनरी फाउंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फिलिंग एग्ज़ाम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर आपके मार्क्स के परसेंटेज में कोई भी गड़बड़ आपने की होगी, तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन एप्लीकेशन वुड बी कैंसल अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। क्योंकि जो कोरोना के बच्चे हैं वो 18+ तो है नहीं। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे भी DM कर रहे हैं कि अभी 18 की एज नहीं है, तो क्या हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा के चल सकता है काम? तो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सब पता है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अगर आपके मार्कशीट में या मार्क्स में किसी भी चीज़ में कोई भी माइनर इशू आ जाता है या गलत इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से जारी की जाती है, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें सारी डिटेल है, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4, इसको भी हम आगे रीड करते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट का सेकंड पॉइंट है, इसमें खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका अभी तक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज नहीं आया है या जो अभी शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आया है। तो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है ये, जो लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ चुका है उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। अगर वो लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ नहीं जाते हैं या कोई भी दिक्कत आ जाती है वेरिफिकेशन में या उनका सिलेक्शन नहीं होता है, देन द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट विल बी गेट द सिस्टम जनरेट ईमेल और मैसेज। इन केस वो कैंसिल हो जाते हैं, जो लोग जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, किसी भी इशू की वजह से उनकी फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है या कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी वजह से अगर वो डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, देन उनकी जगह पे अगर जो भी दूसरा पर्सन होगा उसको सिस्टमेटिकली उनका कॉल लेटर बाय ईमेल और SMS मिल जाएगा। और जो भी लोग वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, कैंडिडेट हैज़ कम टू अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अ सेट ऑफ कॉपी फॉर सबमिशन। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही जाने हैं, बदले में उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी भी लेके जानी है, सबकी बना के लेके जाए अपने साथ। इन केस जो प्रोविजनल लेटर है इशू कर दिए गए हैं मेल और SMS के द्वारा, इन केस देयर इज़ नो रिस्पॉन्स विद इन अ गिवन टाइम, जो आपको टाइम दिया गया है उसके बीच में आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, तो एक फाइनल ईमेल या SMS आपको जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब आपको एक लेटर आएगी, मतलब जैसे इंटीमेशन लेटर होती है उस टाइप से एक लेटर आएगी फॉर रिपोर्टिंग के लिए। बट अगर आप तब भी रिपोर्ट नहीं करते हो, इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स द कैंडिडेट शैल बी कैंसल। आपको पहले SMS और मेल आ चुका है,
अगर आप अपने वेरिफिकेशन के लिए नहीं चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपका नंबर चेंज हो गया या मेल आईडी चेंज हो गई है, देन आपको एक रजिस्टर्ड पोस्ट आएगी। इन केस आप रजिस्टर्ड पोस्ट का भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा इस बार। देन उसके बाद कुछ खुशखबरी है केरल के सर्कल के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ केरल सम ऑटमिल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड, तो काफ़ी बच्चों ने रिपोर्ट्स डाली, काफ़ी कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट्स डाली हैं इसके लिए कि जो केरल का रिजल्ट है आप लोगों को पता है 100% से ऊपर गया है। तो ये कैसे हो सकता है ये तो हमें भी नहीं पता है, तो इसीलिए केरल के जो रिजल्ट को हम देखेंगे पोस्ट ऑफ द सर्कल रिव्यूड, इसको सीरियसली लिया जाएगा और पोस्ट ऑफिस जल्दी इसको रिव्यू करेगा और केरल का जो रिज़ल्ट है वो मॉडिफाई होकर जल्दी आ जाएगा। द रिज़ल्ट ऑफ केरल सर्कल हैज़ अकॉर्डिंग टू बी मॉडिफाइड, जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट मे बी मॉडिफाई होकर आ जाएगा। सो जिनको भी केरल के रिज़ल्ट के लिए वेट है वो थोड़ा और वेट कर ले, जल्दी से एक लिस्ट और आ जाएगी। तो फिफ्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अपेयरिंग सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ वेरियस सर्कल रिक्वेस्ट दैट गो अहेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। ओके, तो जितने भी लोगों को अभी मैसेज या मेल चला गया है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जल्दी जल्दी जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर ले, क्योंकि आपको पता है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर आपके अलावा दूसरों को मौका मिल जाएगा। तो ये जो नोटिस है इसमें क्लियरली क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के डाउट। स्पेशली डाउट ये था कि जो लोगों का हो चुका है सिलेक्शन, क्या अगर वो नहीं जाते तो हमें चांस मिलेगा, तो ये नोटिस क्लियर हो चुका है कि अगर वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग किसी भी वजह से कैंसिल हो जाते हैं, तो जो भी सेकंड नंबर पे कैंडिडेट होगा उनको एक इस बार शॉर्टलिस्ट में भी ना आए SMS या मेल के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उनको मौका मिलेगा। और जो केरल के रिज़ल्ट के ऊपर बात हो रही है उसको मॉडिफाई करके मे बी इशू जल्दी कर दिया जाए। सो आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई भी डाउट अगर रह गया है। सो देन मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।